आज माननीय अच्छे भैया जी जो कि लोकसभा के प्रत्याशी हैं हमारे बीच में, हम उनके साथ आए अपने दर्द लेकर, क्योंकि 10 सालों से भाजपा की गलत नीति, भ्रष्टाचार की नीति, जनता के खिलाफ ऐसी ऐसी नीतियां जिससे कि जनता त्रस्त है, जिसके कारण PACL इंडिया लिमिटेड, सहारा, साई प्रसाद, कल्प थ्रू, केम फ्यूचर, न जाने कितने अनेकों कंपनियों को बंद कर दिया गया, उनकी संपत्तियों को हड़प लिया गया सेबी के द्वारा, और उनकी संपत्तियों को बेचकर जो भुगतान देना था वो किसी भी निवेशक को नहीं दिया गया। इस देश की आधी आबादी इस समस्या से त्रस्त है। आज माननीय अच्छे भैया जी ने हमें भरोसा दिया है कि इस लड़ाई को हम पूरे तन मन धन के संग निवेशकों के साथ लड़ते रहेंगे, और जब तक एक एक पाई इनका भुगतान नहीं दिला देंगे हम निवेशकों के संग खड़े रहेंगे। तो मैं अच्छे यादव जी का धन्यवाद देता हूं और ये आश्वासन देता हूं कि पूरे फिरोजाबाद की विधानसभाओं में हम तन मन धन से पैदल चल चल कर जाकर एक एक घर में उनके लिए वोट मांगेंगे और माननीय अच्छे भैया जी को अधिक से अधिक वोटों से विजयी दिलाएंगे। जय हिंद। PACL इंडिया लिमिटेड जो चिट फंड कंपनी थी, इसमें निवेशक आज हम लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने अपनी मांग रखी है कि उनका पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी ने भी उठाया है। आज हम लोग गठबंधन में हैं और इस मुद्दे को आने वाले समय में जब सरकार बदल जाएगी उसमें भी हम लोग उठाने का काम करेंगे, और हम लोगों की कोशिश रहेगी निवेशकों का पैसा जल्दी से जल्दी हमको वापस मिल जाए, और इनकी लड़ाई में जहाँ शामिल होना होगा वहाँ पर हम लोग शामिल होंगे।